हे गाइस, कैसे हो आप लोग। चलिए आज देखते हैं एक मूवी, द गर्ल नेक्स्ट डोर की एक्सप्लेनेशन, जो कि रिलीज हुआ था 2004 में। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। मूवी की शुरुआत होती है एक 18 साल की मैथ्यू नाम की लड़के से। हाई स्कूल में उसकी आखिरी ईयर चल रहा होता है। पढ़ाई में बहुत तेज होने की वजह से स्कूल के प्रिंसिपल के वो बहुत चाहते होता है और स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट भी है, और उसकी हायर एजुकेशन की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप लेने की तैयारी कर रहा होता है। अब तक ये कहानी आपको बहुत बोरिंग लग रहा होगा ना। बिल्कुल यही चीज 18 साल की मैथ्यू और उसके दो दोस्त क्लीज और एली, तीनों दोस्त स्कूल में खड़े खड़े डिस्कशन कर रहे होते हैं। मैथ्यू उसके दो दोस्तों को बोल रहा होता है कि अब तक तो हम तीनों ने कुछ भी यादगार नहीं किया है हाई स्कूल के दिनों में, जैसे कि हमारे और दोस्त करते हैं, गर्लफ्रेंड बनाना, पार्टी करना, शराब पीना या फिर मजा मस्ती कुछ भी। मैथ्यू यही सब सोच के अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा होता है और उसके डिबेट कंपटीशन के लिए स्पीच तैयार कर रहा होता है। इसी बीच एक दिन मैथ्यू के घर के बगल में एक बहुत खूबसूरत सी लड़की शिफ्ट हो रही होती है, जिसकी नाम है डैनियल। पहली नजर में ही मैथ्यू को डैनियल से प्यार हो जाता है। इसके अगले ही सीन में हम देखते हैं मैथ्यू अपने खिड़की पे देख रहा होता है डैनियल को कपड़े चेंज करते हुए, और उसी वक्त कोइंसिडेंटली डैनियल भी मैथ्यू को देख लेती है और गुस्से में सीधा मैथ्यू के घर पे पहुंच जाती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और मैथ्यू डर के मारे छिप जाता है और उसके मॉम डैड उसको नीचे बुलाते हैं, और मैथ्यू के मन में यही ख्वाब रहता है कि डैनियल आके उसकी पेरेंट के सामने कंप्लेन कर दिया होगा। पर हम देखते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और दोस्तों पता है, अभी तक कहानी जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं, क्योंकि डैनियल मैथ्यू के पेरेंट्स के सामने खुद को शरीफ दिखा के मैथ्यू को बाहर ले जाना चाहती है, और मैथ्यू के पेरेंट्स भी मैथ्यू को बोलते हैं कि जाके डैनियल को आस पड़ोस की जगह दिखा लाओ। यही तो था डैनियल का प्लान, जो चाहती थी बिल्कुल वही हुआ। और जब दोनों गाड़ी में शेयर कर रहे होते हैं तब मैथ्यू डैनियल को खुद की तरफ से पहले सॉरी बोल लेता है, पर इससे थोड़ी ना डैनियल को घंटा फर्क पड़ने वाली थी। वो तो चाहती थी कि जैसे मैथ्यू ने उसको अंड्रेस होते हुए देख लिया था, वो ठीक वैसे ही उसने मैथ्यू को अंड्रेस करके बदला लेना चाहती थी, तो उसने ठीक वैसा ही करता है। डैनियल इतने में कुछ नहीं होती है कि उसने मैथ्यू का अंडरवेयर लेके भाग जाती है, और वो जानती है कि मैथ्यू एक बहुत सॉरी और इंटेलिजेंट लड़का है, इसीलिए वो फिर से आके पिकअप करके ले जाती है। इसी फनी हरकत के वजह से दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। फिर दोनों मिलके बहुत सारे छोटे छोटे मस्तियां करते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल के स्विमिंग पूल में दोनों एक साथ नहाना और ट्रैफिक पुलिस का रूल तोड़ना और छोटे छोटे मस्तियां, जिससे मैथ्यू को बहुत मजा आने लगती है और उसने आज तक उसकी 18 साल की लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं किया था। और मैथ्यू ने उसकी दो दोस्त लीज और एली के साथ डैनियल को सरप्राइजिंगली इंट्रोड्यूस करता है, और फिर सभी मिलकर हंटर की पार्टी में जाते हैं, जो कि स्कूल की एक सबसे बड़ी फेमस और हॉट लड़का है, जो कि मैथ्यू को कभी भाव ही नहीं देता था। और अभी मैथ्यू को डैनियल के साथ देख के ये सोचने लगता है कि ये गुलाब जैसी परी मैथ्यू जैसा लल्लू के हाथ कैसे लग गया। उसी पार्टी में ही हंटर और उसके दोस्त मिलकर मैथ्यू और डैनियल को अलग करने की कोशिश करते हैं, और फिर क्या हुआ पता है दोस्तों आपको, जो मैथ्यू को ये लगने लगता है कि डैनियल उससे दूर होता जा रहा है, मैथ्यू बिना किसी चीज का परवाह करते हुए सीधा जाके डैनियल को किस कर देता है। डैनियल भी खुश हो जाता है, दोनों के दरमियान प्यार और बढ़ जाता है। और अगले दिन एली को एक ऐसा वीडियो टेप मिलता है जिसे वो मैथ्यू को बुला के दिखाता है, और वो वीडियो देखने के बाद मैथ्यू की आंख फटे की फटे रह जाती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि डैनियल कोई सीधा साधा लड़की नहीं है, वो एक फोन स्टार है। हाँ दोस्तों, वो एक फोन स्टार ही है, जिसे देख के उसका दिल टूट जाता है। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है, नहीं ये हम यहाँ पे क्या करने हैं। और आपको तो पता है हर एक दोस्त कमी ना होता है, और उसी वक्त उसके दोस्त एली ने उसको ये समझाता है कि तुझे दुखी होने के बजाय खुश होना चाहिए, क्योंकि तू जो भी चाहेगा, जैसे भी चाहेगा, जब भी चाहेगा, वो डैनियल से हासिल कर पाएगा, डैनियल सब कुछ तुझे आसानी से दे सकता है। और मैथ्यू ने थोड़ी टाइम डिप्रेस रहने के बाद उसकी दोस्त का एडवाइस लेने की कोशिश करता है और डैनियल को एक मोटल पे ले जाता है, और डैनियल भी बहुत खुशी खुशी के साथ जाता है, और वो चाहती थी कि मैथ्यू उसके साथ वो सब कुछ करे जो भी एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या कपल्स के बीच में होता है। और पता है दोस्तों उस वक्त क्या हुआ, मैथ्यू के मन में एक अजीब सा क्वेश्चन है, और उसने डैनियल को उसी वक्त पूछ लिया, और उसने ये क्वेश्चन पूछा, तुम ये पोर्न स्टार वाला काम क्यों करती थी। और मैथ्यू की इस बातों से नाराज हो के डैनियल उसी जगह छोड़ के मैथ्यू से दोस्ती तोड़ के चली जाती है। जब मैथ्यू ने उसे रोकने की या मनाने की कोशिश करती है, तब डैनियल ये बोलती है कि उसने वो सब गंदी काम करना छोड़ दिया था और एक आम लड़की की तरह जिंदगी बिताने
बनाने की कोशिश करने लगा था और वो भूल गया था कि वो एक फोन स्टार है। और ये कह के डैनियल वहीं से चली जाती है और उसके बाद मैथ्यू को बहुत पछतावा होता है और वो सोचता है कि डैनियल को वो ऐसे ही नहीं खो सकता है, इसीलिए उसने अगले दिन उसके घर जाता है। और जब सरी बोल के घर के अंदर जाता है तो देखता है कि वहाँ पे और कोई एक लड़का रूम से बाहर आता है और उसे पता चलता है कि अब इन सारी चीजों के लिए बहुत देर हो चुका है। और वो लड़का था डैनियल का पुराना दोस्त कैरी, जो कि पोर्न इंडस्ट्री में एक प्रोड्यूसर है। और उसके बाद मैथ्यू को दुखी देखते हुए कैरी ने एक दोस्त जैसा बर्ताव करते हुए उसको मुंह बंद करने के लिए कहता है। और अगली सीन में हम देखते हैं कि कैरी डैनियल को लेकर लास वेगास फिर से एडल्ट इंडस्ट्री ज्वाइन करने के लिए चला जाता है। और उसके बाद तीनों दोस्त मैथ्यू, क्लीज और एली डैनियल को फॉलो करते हुए लास वेगास के एडल्ट इंडस्ट्री पहुंच जाते हैं। और वहां पे उस वक्त फैन लोगों के लिए एक प्रोग्राम चल रहा होता है, वहां पे उन लोगों ने घुस जाते हैं जहां उन्हें वो परियां भी मिलते हैं जिन्हें ये एडल्ट वीडियो में देखकर कई बार खुद का हाथ चलाया होगा। जिन्हें देखने के बाद एली और क्लीज सब कुछ भूल जाते हैं और उनका एक फेवरेट पोर्न स्टार के साथ एक कांड कर बैठते हैं। लेकिन उस तरफ मैथ्यू का नजर डैनियल से नहीं हटता है और उसने उसके बिल्कुल पीछे पड़ा रहता है और उसे बार बार उसे समझाने की कोशिश करता है और उसने उसे माफ करने के लिए बोलता है। मैथ्यू ने डैनियल को दिल से समझाता है कि वो इस जगह के लिए बिल्कुल नहीं बनी है, अभी भी वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सकती है उसके साथ। मैथ्यू के ये सब बात सुन के जब डैनियल जब इमोशनल होता है तब वो प्रोड्यूसर कैरी मैथ्यू को एक अकेला जगह पे लेके बहुत मारता है और ये जगह छोड़ के चले जाने के लिए बोलता है। फिर तीनों दोस्त ने अपने घर लौट आते हैं और मैथ्यू ने उदास होकर जब अपना घर पे बैठा होता है तब देखता है कि डैनियल उसके घर पहुंच जाता है नहीं और उनके बीच में वो पुराने रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट हो जाती है। और वो प्रोड्यूसर कैरी मैथ्यू के पीछे पड़ जाता है और उसने आके उसे मारने लगता है और उसे बोलता है कि डैनियल के चले आने से कैरी को $30,000 का नुकसान हो जाता है। कैरी की बातों में आके मैथ्यू ने पोर्न इंडस्ट्री के एक बड़े माफिया के घर से एक अवार्ड चोरी कर लेता है और कैरी ने मैथ्यू को वहीं पे छोड़ के चला जाता है और पुलिस को कॉल कर देता है। और मैथ्यू ने पुलिस के चंगुल जैसे तैसे निकल के घर पहुंचता है और उसी दिन अपने स्कॉलरशिप के लिए डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंच जाता है। कैरी के दिए हुए एक गलत मेडिसिन के वजह से उसके सर में दर्द होता है और उसे अजीब अजीब ख्याल भी आने लगते हैं। लेकिन उसने खुद को बहुत समझते हुए स्पीच देने की तैयारी करता है लेकिन उसने वो डिबेट कंपटीशन जीत नहीं पाता है। उसे स्कॉलरशिप ना मिलने की वजह से वो बहुत टूट जाता है और उसे एक बड़ा फिक्र होने लगता है कि उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा क्योंकि उसने स्कूल की बैंक से जो $25,000 का एक लोन लिया था उस अमाउंट को कैरी उसके अकाउंट से विथड्रॉ करके भाग गया है। लेकिन उसके दो दोस्त और डैनियल उसे समझाते हैं कि कुछ ना कुछ जुगाड़ हम कर लेंगे। और उस वक्त डैनियल ने मैथ्यू को हौसला देते हुए ह्यूगो के पास लेके जाता है जो कि एडल्ट इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है और जिसका अवार्ड मैथ्यू ने पहले चुराया था। उसके घर जाके सबसे पहले उन दोनों ने उसका अवार्ड रिटर्न करते हैं और उसके साथ एक डील करके उसे $25,000 देने को बोलते हैं। और वो दोनों ये डील करते हैं कि उन लोगों ने एक बहुत अच्छा एडल्ट मूवी बना के ह्यूगो को देंगे जिसको वो रिलीज करके बहुत सारा पैसा कमा सकता है। और उसके बाद डैनियल उसका दो पोर्न स्टार दोस्तों को ह्यूगो का नाम लेके बुला के उसके साथ काम करने के लिए मना लेती है और सभी दोस्त मिलके स्कूल के प्रोनेट पे जाते हैं। और जैसे कि एली का शुरू से ही एक डायरेक्टर बनने का ख्वाहिश था तो उसने पूरा मूवी की शूटिंग का सारा जिम्मा लेता है पर उसे क्या पता था आज वो एक एडल्ट मूवी को डायरेक्ट करेगा जिस तरह की मूवी वो हर दिन अपने घर में अकेला अकेला देखता है। इतनी खुशी और सारे दोस्तों ने मिलकर प्लान बनाते हैं कि खुद वो ऑन स्क्रीन काम नहीं करेंगे, स्कूल की जितने भी हॉट लड़के हंटर और उसको दोस्त को कास्ट करने का प्लान बनाते हैं और वही होता है। और इस बातों पे हंटर और उसके बेवड़े दोस्तों ने बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों का भी यही ख्वाहिश था। स्कूल के अलग अलग जगहों पे छोटे छोटे सेट लगा के ये छोटे छोटे सीन्स शूट करते हैं ताकि लोगों को ये मूवी रियल लगे। और अगली दिन मैथ्यू को एली का कॉल आता है और एली ने बोलता है कि उनके रिकॉर्ड किया गया टेप किसी ने चुरा लिया है और ये सुन के मैथ्यू भी बहुत गुस्सा हो जाता है। ठीक उसी वक्त नीचे से कैरी का आवाज मैथ्यू को सुनाई देता है जिसे सुन के जब उसने घर के निचली फ्लोर पर पहुंचता है तब देखता है कि स्कूल की प्रिंसिपल और कैरी और उसके पेरेंट्स सब साथ में बैठ के बात कर रहे हैं और वहां पे वो जाके देखता है कि कैरी के हाथ में उनका बनाया हुआ वीडियो कैसेट होता है और कैरी मैथ्यू को ये धमका के बोलता है कि उसका बनाया हुआ सारा प्रॉफिट उसे दे दे वरना वो ये कैसेट उनके पेरेंट्स और प्रिंसिपल को दिखा देगा। कैरी की ये बात सुन के मैथ्यू सीधे ये उसके मुंह पे बोलता है कि अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको जो भी करना है वो कर ले। और उसके बाद कैरी ने उस टेप को टेलीविजन पे प्ले करके सबको दिखा देता है
लेकिन कैरी ने जो सोचा था ये एक 18 प्लस एडल्ट कंटेंट होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। दरअसल उन लोगों ने पॉर्न दिखाने के बजाय सेक्स एजुकेशन के ऊपर एक छोटा सा शॉर्ट मूवी रिकॉर्ड किया था, वही वहाँ पे शो होता है, जिसे देख के बच्चों को भी मजा आए और सोसाइटी को कुछ सीखने को भी मिले, और बच्चों ने अपने टीन एज में जिस तरह की गलतियां करते हैं वो ना करें। और वहाँ उपस्थित सारे लोग ये वीडियो देखने के बाद मैथ्यू को डांटने के बजाय उसको शाबाशी देते हैं और ये बोलते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। और कुछ ही दिनों में देखते देखते वो वीडियो हर स्कूल और हर स्टूडेंट्स की फेवरेट बन जाता है, और वो फोन प्रोड्यूसर ह्यूगो ने मैथ्यू को भी अपना पार्टनर बना लेता है, और जितना इन लोगों ने सोचा भी नहीं था उससे कहीं ज्यादा इनको फायदा हुआ और मूवी की एंड भी यहीं पे हो जाता है। और दोस्तों हमें इस मूवी से एटलीस्ट ये सीखने के लिए मिलता है कि अगर आप सच में अच्छे हो, आपकी सोच अच्छा हो, या आप दुनिया के लिए समाज के लिए कुछ अच्छा सोचते हो या अच्छा करना चाहते हो, तो दुनिया की हर किसी गंदगी से भी कुछ अच्छे चीजें उठा के सोसाइटी के सामने एक अच्छा खासा सोशल वैल्यू बना के प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। और आप किस मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं वो आप मुझे नीचे कमेंट में बताइए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।